बी टाउन के चॉकलेटी बॉय और रू बाबा के नाम से फेमस एक्टर कार्तिक आर्यन आज अपना 34th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 34 साल के हुए कार्तिक आर्यन बड़े पर्दे के साथ साथ लाखों लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुके हैं। 22 नवंबर 1990 को कार्तिक का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म में अपने नाम करने के बाद कार्तिक आर्यन जहां अपने हॉट लुक सक्सेस को लेकर अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं, तो वही कार्तिक के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी काफी बज बना रहता है। र्यूमर्स तो ये भी है कि बर्थडे बॉय कार्तिक आर्यन सीक्रेटली डेटिंग को मेंटेन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन की लेडी लव बी टाउन की कोई हसीना है या फिर कोई नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से। खैर इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन आज कार्तिक के बर्थडे पर आपको बताते हैं बी टाउन की किस किस हसीना को डेट कर चुके हैं कार्तिक। वेल प्यार का पंचनामा से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले कार्तिक आर्यन को पहली ही फिल्म से अच्छा रिस्पांस मिला था, जहां कार्तिक की एक्टिंग का जादू फैंस पर चला था, तो वहीं बी टाउन की कई एक्ट्रेसेस भी कार्तिक आर्यन पर अपना दिल हार बैठी थी। कार्तिक की डेटिंग लिस्ट में सबसे पहला नाम है सारा अली खान। जी हां, सैफ अली खान की बेटी सारा ने कार्तिक के लिए अपने दिल की बात खुद जमाने के सामने रखी थी। सारा को कार्तिक बेहद पसंद थे। सारा खुद कार्तिक संग डेट पर गई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला। कार्तिक और सारा फिल्म लव आजकल में पहली बार दिखे थे। इसके बाद बॉलीवुड की परम सुंदरी कृति सेनन के साथ अफेयर की खबरें एक जमाने में खूब फैली थी। बता दें, कार्तिक के साथ फिल्म लुका छिपी और शहजादा करने के बाद दोनों के डेटिंग र्यूमर्स फैले थे, लेकिन कृति ने क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कृति के बाद कार्तिक का नाम प्यार का पंचनामा वाली एक्ट्रेस नुसरत बरूचा के साथ भी जुड़ा था। कार्तिक और नुसरत ने फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में साथ काम किया था, लेकिन दोनों ने डेटिंग करने की बात से पूरी तरह से इनकार किया और सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया था। इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन का नाम अनन्या पांडे और जानवी कपूर के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक्टर ने डेटिंग र्यूमर्स को नॉनसेंस बताया था। इन सब के अलावा कार्तिक का नाम ऋतिक रोशन की कजिन पश्मीना रोशन के साथ भी जोड़ा गया। काफी वक्त तक दोनों के डेटिंग र्यूमर्स काफी वायरल हुए थे। खैर अब बर्थडे बॉय कार्तिक आर्यन बी टाउन्स के हीरोइंस को अपना दिल दे बैठे थे या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये दावे जरूर किए जाते हैं कि कार्तिक आर्यन इन दिनों डेट जरूर कर रहे हैं और अपने लेडी लवर के साथ रिलेशनशिप को सीक्रेटली मेंटेन भी कर रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद कार्तिक आर्यन की मम्मी का कहना है। बता दें, कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 3 के स्टारकास्ट के साथ कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। वहीं विद्या बालन ने कार्तिक से पूछा उस लड़की का नाम क्या है। इस पर शो में बैठी कार्तिक की मां ने जवाब दिया, मैं कह रही हूँ किस किस का नाम लेंगे, एक हो तो मैं बोलूँ। कार्तिक की मां के इस जवाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिक आर्यन फिलहाल सिंगल नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि कार्तिक आर्यन कब तक अपनी मिस्ट्री ड्रीम गर्ल को जमाने से रूबरू कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।